नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। 26 जनवरी को किसान रैली के लिए बड़ी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टरों का जमावड़ा नजर आ रहा है। सुबह से ही गाजीपुर में किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कृषि कानून के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में जुटे किसानों के लिए दादर गुरुद्वारे की तरफ से लंगर का भी इंतजाम किया गया है। वहीं खालसा एड की तरफ से पानी का इंतजाम किया गया है। बता दें कि यह किसान दो दिन पहले विभिन्न जिलों से निकले हैं और अब आजाद मैदान पर पहुंच रहे हैं। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ अब मुंबई में किसानों का प्रदर्शन है। मुंबई के आजाद मैदान में 21 जिलों के करीब 10,000 से ज्यादा किसान एकत्रित होंगे। हैरान करने वाली बात है कि इस प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुंबई में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। मरियम ढवले ने NDTV से बात करते हुए कहा, इस देश की अर्थनीति को चलाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। देश की राशन व्यवस्था ठप हो चुकी है। मोदी सरकार इस व्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के बजाय कृषि कानून के जरिए उसे और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर मार्च की रैली पूरी कर ली है। योगेंद्र यादव ने लिखित मंजूरी मिलने की जानकारी दी और कहा कि हम दिल्ली नहीं दिल जीतने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखित में मंजूरी के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने परेड को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है।